आज सुबह ये मनहूस खबर सुनी कि बाजी रोशन का इंतकाल हो गया। जो सदमा हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। जो महसूस करती हूँ, मेरा ख्याल है आप लोग भी वही महसूस करते होंगे। इतने बड़े फनकार का दुनिया से चले जाना क्लासिकल मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा खला है, जो मेरा ख्याल है पुर नहीं हो सकता, मुश्किल है पुर होना। अलका मौसीकी की वफात का आज उनकी पहली मुलाकात याद आई, जबकि बॉम्बे में वो हमारी पिक्चर जुगनू का गाना रिकॉर्ड करवाने आई थी, देश की पुरकैफ रंगी सी फजाओं में कहीं। और मुझे आज तक नहीं भूलता कि बावजूद बगैर तारुफ के जब उन्होंने मुझे देखा तो बेकाबू होकर मुझे गले लगा लिया, बहुत प्यार किया, कहने लगे तुम बहुत अच्छा जो भी अपना काम करती हो बहुत अच्छा करती हो। वो मोहब्बत इतनी बड़ी कि हम लोग यहाँ आने के बाद भी बहुत मिले और बहुत ही प्यार उन्होंने मुझे दिया। हत्ता कि जब भी वो अपने गांव से आती थी तो मेरे ही गरीब खाने पे ठहरती थी। चंद सालों से हमारी मुलाकातें कुछ बवजह मसरूफियत कम हो गई, मगर वो मोहब्बत जो उनमें हम में थी कभी कम न हुई। इंसान बहुत बेबस है अपने खुदा के सामने, और ये याद रखना चाहिए कि अगर इंसान दुनिया में आया है तो कुछ अपनी यादें छोड़ जाए, नेकी की भी, और अगर वो फनकार बनना चाहता है तो इतनी मेहनत करे, इतना बड़ा फनकार बने कि अपनी मिसाल आप बन जाए, जैसे कि उन्होंने बन के दिखाया। और इसीलिए मैं उनको बहुत ही प्यार करती हूँ कि उन्होंने जितने बड़े फनकार होकर अपनी मेहनत से फनकार बने और बन के दिखाया लोगों को, उतनी ही नेकियां की और उतनी ही नेक खातून वो थीं।